रांची के मुराबादी मैदान में काफी संख्या में पारा शिक्षक मौजूद हैं और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। जहां काफी संख्या में पारा शिक्षक पहुंच रहे हैं, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता प्रद्युमन सिंह ने कहा कि सरकार नियमावली पर अगर फैसला नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा और इस बार पारा शिक्षक खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो सरकार नियमावली पर जल्द फैसला ले, इसी को लेकर पारा शिक्षकों का लगातार विरोध है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी गई है। तो मोराबादी मैदान में जुटे हैं सैकड़ों पारा शिक्षक और लगातार इन पारा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार नियमावली पर जल्द फैसला नहीं लेती तो इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मोराबादी मैदान में जुटे हैं सैकड़ों पारा शिक्षक और लगातार विरोध प्रदर्शन पारा शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा है। जल्द फैसला ले नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पारा शिक्षक, लगातार आंदोलन की धमकी दी जा रही है पारा शिक्षकों की तरफ से। और सीधे चलेंगे मोराबादी मैदान जहां सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शहनवाज, पारा शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कर रहे हैं। जया, जिस तरह से पारा शिक्षकों ने पहले ही बता दिया था कि अगर 25 सितंबर को राज्यभर के जो पारा शिक्षक हैं वो राजधानी रांची में जुटेंगे और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये पारा शिक्षकों का ही महाजुटान है। मुराबादी मैदान में ये लोग जुटे हैं और बड़ी संख्या में जुटे हैं। पारा शिक्षकों की एक ही मांग है कि उनके लिए जो नियुक्ति नियमावली है उसको हर हाल में पूरा किया जाए। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में जो पारा शिक्षक हैं वो आज रांची के मुराबादी मैदान में जुटे हुए हैं। कुछ पारा शिक्षक के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो आज 5 बजे प्रस्तावित बैठक है उसके लिए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों? अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि पिछले बैठक में भी प्रशासन है, प्रशासनिक पदाधिकारी ने कहा था कि मंत्री महोदया से पूछ कर हम लोग बताएंगे कि आप लोग को बुलाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इसमें जो अध्यक्षता बनी है मंत्री महोदया के और उसमें ऊंचे कमेटी में सारे बड़े पदाधिकारी है और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी बुलाया जाए ताकि ये पता चले कि आज जो कमेटी में जो बन रही है आखिर नियमावली क्या दे रही है। हम लोग का अच्छा नियमावली आती है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग त्रस्त है 17 साल से आज, क्योंकि लगातार आश्वासन के नाम से ठगा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं आज अच्छा नियमावली दे ताकि हम लोग खुशी खुशी घर वापस जा सकें। गौरी झा भी हमारे साथ मौजूद है। ये मैडम, ये बताइए कि एक तो आप लोगों के लिए आज नियुक्ति नियमावली की बनने की बात हो रही है लेकिन उसमें आपके प्रतिनिधियों को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। सर, हम लोग पॉजिटिव होके आ जाए हैं और हम लोग यही सोच रहे हैं सरकार इस बार जो भी करेंगे हम लोग के लिए अच्छा करेंगे और उम्मीद है कि अभी तक हम लोग उम्मीद में है, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस बार आर पार के वो लोग हमारे लिए अच्छे करेंगे तब वो भी अच्छा कि हम लोग जितने भी शिक्षक हैं तो हम लोग भी क्या बोलेंगे वोट बैंक की तो हम लोग के पास भी है तो अगर हम लोग लाभान्वित तो होते तो वो भी लाभान्वित तो होंगे। सरकार से कहीं ना कहीं से एक तो लेन देन की भी बात हो रही है। नहीं, लेन देन की बात क्या होगी सर, जो मेरी अधिकार है वो हम लोग चाह रहे हैं ना। हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग को जो सम्मानजनक जो वेतनमान जो मांग चल रही है पूरा उम्मीद है कि इस बार हम लोग को मिलेगी। 5 बजे जो बैठक है वो बैठक आपके अनुकूल नहीं होती है तो फिर क्या आप लोगों ने सोचा कि यहाँ डेरा डालेंगे? सर, यही डेरा डालेंगे, आंदोलन करेंगे, जो है एक ठो मैंने जो तरीका है उस तरह से अपना लड़ाई लड़ेंगे। मनोज जी, अब हर पारा शिक्षकों के आंदोलन में शामिल रहे हैं, इस बार भी आप मौजूद हैं। सबसे पहली बात यह हो रही है कि पारा शिक्षकों के भविष्य का फैसला होने जा रहा है उनके लिए, लेकिन अब ये बात हो रही है कि उनको ही इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया।
देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी आज यहाँ पर पारा शिक्षक जुटे हैं ये सरकार के कहने पर जुटे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जनवरी में ही लिखित समझौता हो चुका है कि यहाँ पर अस्थायीकरण का नियमावली बनाया जाएगा, और उस नियमावली में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 90 दिन का समय होना चाहिए। पुनः 90 दिन का फिर समय मांगा गया जो कि जून में समाप्त हो रहा था। अभी जब मैं 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी के सामने हम लोग न्याय मांगने के जा रहे थे उस समय उन्होंने कहा 21 तारीख को आपके साथ समझौता होगा, उस दिन भी नहीं हुआ तो उन्होंने 25 तारीख को होगा। तो 25 तारीख को यहाँ पारा शिक्षक कहीं भी अपने मन से ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं सरकार के वहां के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि मैं आपके अस्थायीकरण का नियम बनाने वाला हूं। तो लोग नियम को सुनने के लिए आए हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पर रघुवर सरकार की जय जयकार करते हुए चले जाएंगे। मैं आपके लिए नियुक्ति नियमावली बन ली है उसमें तो पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि को आमंत्रित होना चाहिए। यही तो सबसे दुर्भाग्य की बात है, आप जब बता रहे डोभा बनाया जा रहा था तो ग्रामीणों को राय लिया गया, यानी जो भी कानून या कुछ भी बनाया जाता है तो उसमें उसका राय लिया जाता है। तो यहाँ पर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की बात थी, 17 साल से 18 साल से पढ़ा रहा है तो उनके स्थायीकरण की बात थी, तो इनको वहाँ शामिल करना चाहिए था, इनके प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए था, और निश्चित रूप से वही जो बनता नियमावली वो इन लोगों के संतोषजनक, ये कभी ये उंगली नहीं उठाते। अब वो जैसा तैसा थोप देंगे तो हम लोग तो मानेंगे नहीं, तब तो फिर से आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन हम नहीं करेंगे। कितने दिनों की तैयारी करके आप लोग आए हैं, अगर आज आप लोग के एक अनुकूल बातें नहीं आती हैं तो कितने दिन की तैयारी है रांची में रहने की? हम लोग अभी अनिश्चितकालीन तक के लिए आए हुए हैं। अभी हम लोग जो है घर से जब निकले हैं तो एक ही मांग, हम लोग स्थायीकरण वेतनमान लेकर जाएंगे। जब तक सरकार हम लोग को स्थायीकरण वेतनमान नहीं देती है हम लोग यहीं पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। आपने सुना जया कि किस तरह जो पारा शिक्षक हैं बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, ये लोग तय करके आए हैं कि इस बार ये अपनी झोली भर कर जाएंगे, अगर इनके अनुकूल नियुक्ति नियमावली नहीं बनती है तो ये लोग रांची में ही रुकेंगे और राजभर के पारा शिक्षक यहीं पर रहेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार उनके लिए उनके हक में कोई फैसला नहीं करती है। जी नहीं मानी जाती तो फिर आंदोलन की चेतावनी भी ये दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।